पक्षाच्या झेंड्याला हात लावायचा नाही, कपडे काढीन. पक्षाच्या झेंड्याला हात लावता, अनधिकृत बांधकामाने हात लावताना फाटते का पैसे खाता? हा चला बिल्डिंग दाखवतो. अनधिकृत झेंडे काढले ना ज्या पद्धतीने, त्या पद्धतीने अनधिकृत बांधकाम पूर्ण झालं तुमच्या. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर. दोस्तों, जो कोई सरकारी अधिकारी है वह लोक सेवक है पहले, यानी जनता का सेवक है. और किसी भी जनता के सेवक को घमंड या द्वेष में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए. लेकिन आजकल का ट्रेंड पूरा अलग ही चल रहा है. आजकल हर एक सरकारी अधिकारी खुद अपने आप को राजा समझता है और घमंड में अपने द्वेष में काम करता है. हालांकि जब किसी का घमंड अगर ज्यादा ही बढ़ जाए तो वो घमंड टूटता भी है. ऐसा ही एक मामला कल सामने आया वसई से, जहां वसई नवगढ़ मणिकपुर प्रभाग समिति एच कार्यालय के सहायक आयुक्त गिलसन गोंसाल्विस, जो कि खुद को सिंगम समझते हैं, खुद को राजा समझते हैं, हालांकि वो राजा है नहीं, लेकिन अपने राजनीतिक आकाओं के बलबूते खुद को राजा समझते हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक कार्यवाही की थी. उसका वीडियो वायरल हुआ था. उसके द्वेष में आकर किसान गोंसाल्विस घमंड को उनमें पहले से है ही, घमंडी तो वो है ही, लेकिन साथ ही साथ द्वेष में आकर कुछ ऐसा कर दिया कि कल एक बवाल हो गया. दरअसल आप सभी को याद होगा, मैंने भी एक वीडियो डाला था 2 सप्ताह पहले. वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर मणिकपुर के अतिक्रमण दस्ते ने वसई के आनंद नगर में फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी. उसमें मैंने खुलासा किया था कि किस तरह से गिलसन गोंसाल्विस वहां बैठे एक यूनियन लीडर जिसका नाम रायबा मौर्या है, उसकी सुपारी पर गरीब दूसरे फेरी वालों को परेशान करता है. यह मैंने आपको वीडियो में बताया है. तो वो जब वीडियो वायरल हुआ, मैंने वो खबर चलाई, दूसरे लोगों ने भी वो खबर चलाई, तो उसका द्वेष गिलसन गोंसाल्विस में काफी बढ़ गया. और इसी द्वेष में आकर गिलसन गोंसाल्विस ने वो कार्यवाही कराने में मनसे का हाथ था. मनसे ने उस दिन उस कार्यवाही का विरोध किया था और वो वीडियो वायरल हुआ था, वो मनसे की देन था. तो गिलसन गोंसाल्विस ने मनसे पार्टी के पदाधिकारियों से द्वेष भर गया उसके मन में. तो कल मनसे पार्टी के पदाधिकारियों की एक उद्घाटन कार्यक्रम था. इन्हीं फेरी वालों के लिए वसई विरार महानगर पालिका की हद में आने फेरी वालों के लिए एक संगठना उन्होंने भी, मनसे पार्टी ने भी बनाई. तो उसके बोर्ड कार्यक्रम का अनावरण था. इसके लिए मनसे पार्टी के नेताओं ने, जैसा कि सभी पार्टी फॉलो करती है, अपने झंडे लगाए थे. तो गिलसन गोंसाल्विस ने तुरंत उन झंडों को उतारने का आदेश दिया और अतिक्रमण दस्ता, जो कि बड़ी बड़ी अनाधिकृत बिल्डिंग के ऊपर कार्यवाही नहीं करता है, बड़े बड़े बांध काम उनके ऊपर कार्यवाही नहीं करता है, वो इन पार्टी के झंडों को उतारने पहुंच गया. जाहिर सी बात है, किसी पार्टी के लिए भी एक बड़े ईगो हर्ट की बात है. मनसे पार्टी का ईगो हर्ट हुआ. उनके पालघर थाने जिलाध्यक्ष अविनाश यादव आए थे. अविनाश यादव सीधे सहायक आयुक्त गिलसन गोंसाल्विस के पास पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया. तो यह पूरा घटनाक्रम कल घटित हुआ. इसका वीडियो आप पूरा आगे तफसील से देखेंगे. हमने इससे पहले खुलासा कर दिया है और मैंने अभी भी वीडियो में कहा है कि गिलसन गोंसाल्विस जो है उसकी गतिविधियां काफी अहम भरी रहती है और यहां इसी वार्ड में पिछले कई सालों से वो चिपका बैठा हुआ है. अगर उसका ट्रांसफर कहीं और जगह किया भी जाए तब भी अपने राजनीतिक आकाओं का वास्ता वसीला लगाकर वो वापस यहीं पर आकर बैठ जाता है. या तो कभी कभी वो अपने वरिष्ठों को धमकी तक देता है कि मुझे वहां नहीं भेजा जाएगा, नवगर में तो मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं किसी प्रभाग में नहीं जाऊंगा. ये सूत्रों से ऐसी बातें सामने आती रहती है. अब देखना यह कि क्या महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी इस घटना के बाद संज्ञान लेंगे, क्या गिलसन गोंसाल्विस को वहां से हटाकर
दूसरे प्रभाग में भेजा जाएगा। और वैसे भी गिल्सन गोंसाल्विस जो कि परमानेंट सहायक आयुक्त है ही नहीं, अधीक्षक है, तो क्या और कोई अधीक्षक, काबिल अधीक्षक नहीं है जिसको यहां पर बिठाया जा सके? ये सवाल है। रही बात में जिस यूनियन की बात कर रहा था, तो उस यूनियन के लीडर रायबा मौर्या को पर्सनल तौर पर महानगर पालिका मुख्यालय में अधिकारी भी पहचानते हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी पहचानते हैं, तो उन वरिष्ठ अधिकारियों का इस यूनियन लीडर से क्या रिश्ता है? यह भी एक सवाल है। और वरिष्ठ अधिकारी, कल ही एक और मामला हुआ था जहां पर एक प्रभाग में एक तोड़क कार्यवाही हुई थी धार्मिक स्थल पर, वहां काफी बवाल हुआ। उस समय वहां के सहायक आयुक्त ने यह बयान दिया कि हमें ऊपर से प्रेशर था। तो ऊपर के जो अधिकारी है क्या वह भी सभी इसमें शामिल है? यह खुद उनको जवाब देना चाहिए। तो देखिए कल की जो घटनाक्रम हुआ उसका वीडियो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। पक्षाचा झेंडाला हात लावायचा नाही, कपडे काढीन। पक्षाचा झेंडाला हात लावता, अनधिकृत बांधकामाने हात लावताना फटते का? पैसे खाता हा? चला बिल्डिंग दाखवतो। अनधिकृत झेंडे काढले ना ज्या पद्धतीने, त्या पद्धतीने अनधिकृत बांधकाम पूर्ण झालं तुमच्या वार्डातले। चल हिम्मत आहे दाखवा मला, चल बघायचं मला पण तुझ्यात किती हिम्मत आहे। मी उभा राहतो तुझ्या बाजूला। चल झेंडे काढताना मर्दांगी येते ना तुमच्यामध्ये, लहान लहान पोरांना त्रास देता। चला आम्हाला पण दे माथ्यावरती, ऑलरेडी ऑफिस बांधलं ऑफिस तोडायला, बाकीचं तोडलं तिथे ऑलरेडी। चला बघू मला तुमची किती हिम्मत आहे, एवढं स्पष्ट वक्त आहे ना तुम्ही? चला तुझ्या दिवशी पाठवत आहे। चला माझे झेंडे का काढले ते मला सांगा, बाकी सगळे जाऊ दे। तुम्ही प्रवीण बोलताना फोन का नाही केला की तुमचे झेंडे लागले काय कार्यक्रम आहे का? नाही विचारायला फोन केला? हा पुन्हा सांगतो, अनधिकृत बांधकामाच्या वेळेला आम्ही तक्रारी करतो, त्यावेळेला का नाही तोडायला जात? मग त्यावेळेला पण आम्ही तुम्हाला कळवतो, मग का त्यावेळेला का गप्प बसता? त्यावेळेला का गप्प बसता सांगा? चला वर्तला ऑफिसमध्ये मला बोलायचं तुमच्याशी। चला अरे आम्ही आलो ना, नंतर जा ना, 10-15 मिनिट तर मला बोलायचं। चला काही विषय दिले। वसईविरार शहर महानगरपालिका साधी एक मार्केट देऊ शकली नाही, त्या बाबतीत मनसेची काय भूमिका असणार राहणार आहे? खरं तर वसईविरार महानगरपालिकेने वसईसाठी काहीच दिलेलं नाही। भ्रष्टाचार, अनधिकृत बांधकाम याच्यापुढे वसईविरार महानगरपालिकेचं काही कर्तव्य नाही आहे किंवा काही कर्तृत्व पण नाही आहे। सो मला असं वाटतं की लोकांना जर तुम्ही मार्केट देत नसाल तर लोकांनी जायचं कुठे? आणि मला वाटतं हे मुख्य मार्केट आहे, तर तुम्ही कुठल्याही शहरात गेला, तर ठाण्यासारख्या शहरात गेला किंवा मुंबईला गेला, तर मुख्य मार्केटमध्ये बाजारपेठ असते, बरोबर आहे? तर तशी बाजारपेठ जर तुम्ही दिली नाही तर लोकांना कुठेतरी ते करावं लागेल, व्यवस्था लोकांची करावी लागेल। तर मागील अनेक वर्षापासून ही लोक इथे थांबतात, आज त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये प्रवेश केलेला आणि मनसे याच्या पुढे त्यांच्या पाठी सक्षम उभी असते। सर आपल्याला असं वाटत नाही की अरुणा जाधवनी कोरोनाच्या काळामध्ये जो आंदोलन केलं होता, अतिशय अग्रेसिव्ह आंदोलन होता, कुठे ना कुठेतरी सुरक्षा व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था सुधारली होती, पुन्हा एकदा मनसेला या मार्केटसाठी म्हणा किंवा रस्त्यासाठी म्हणा, पुन्हा एकदा रस्त्यावरती उतरताना मनसे दिसत नाही, आपली आंदोलन भूमिका दिसत नाही, त्याबाबतीत गेलेल्या काळामध्ये आपली भूमिका काय असते? मला वाटतं की आमची आक्रमक भूमिका ही लोकांनी वेळोवेळी पाहिलेली आहे, हाच एकच विषय नाही आहे। बसेसचं उद्घाटन झालं त्यावेळेलाही पाहिलेली आहे, विविध विषयावर आमचे अनेक लोक विविध आंदोलन करत असतात, आमच्या स्वप्नील द्विगुणाचे विविध आंदोलन चालू असतात, आमचे शहर अध्यक्ष प्रवीण भोईर हे विविध विषयांवर बोलत असतात, आम्ही अनेक सध्या गोष्टी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे मागण्या केलेल्या आहेत। आम्ही वालीव भागामध्ये एका शववाहिनिकेची आम्ही व्यवस्था मागितली। सो विविध आता सध्या कामं सांगून होत आहेत, तर आंदोलन करायची तशी गरज नाही आहे, पण जर कामं झाली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरायला तयार आहोत। काही दिवसांपूर्वी आपले राजू पाटील मनसेचे एकमेव आमदार या ठिकाणी आले होते आणि त्याच दिवस मनसेने एक उग्र आंदोलन घेतलं होतं, तर राजू पाटलांना भेटायला खुद्द आमदार त्या ठिकाणी आले, कारण आमदारांचा जर इतिहास पाहिला तर प्रत्येक पक्षाचे मंत्री ज्यावेळेला येतात तेव्हा आमदारांना भेटायला जातात, मग असं काय घडलं?
की राजू पाटलांना स्वतः आमदारांना घ्यायला जावं लागलं, याकडे अविनाश जाधव कशा प्रकारे पाहतो? मला वाटतं आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे की जर घ्यायला जर दुसऱ्या पक्षाचा आमदार जात असेल, आमचं तर मोठे पण आहे, असंही घ्यायला या सर ना येणाऱ्या। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।